देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पढ़ा था, एटॉमिक मास क्या पढ़ा था 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLM, तो 2 और 4 आ गया, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, 2 प्लस 4 6 हो गया। अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल। और अगर ये नॉन मेटल है तो वैलेंसी कैसे काउंट फाइंड की जाएगी इसकी, वैलेंसी होती 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 4, तो वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 4 यानी कि 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसीलिए हम कहते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्या कहा जाता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब होता है कि मींस कार्बन हैज वैलेंसी 4। क्लियर, कार्बन नॉन मेटल है और इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एज कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड इट्स वैलेंसी इज 4, सो कार्बन शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर नॉन मेटल्स। भाई मेटल्स के साथ तो शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि मेटल्स तो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, अदर नॉन मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ठीक है। अब कार्बन जो है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है ना, तो जब भी कार्बन मिलेगा उसके 4 हाथ दिखाई देंगे ऐसे, यानी कि कार्बन किसी भी कंपाउंड में मिलेगा तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, यानी कि इस तरह से 4 हाथ दिखाई देंगे। जरूरी नहीं कि सिंगल सिंगल ही हों, ये डबल भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे 4 ही। देखो 1 2 3 4, और अगर ऐसे मिलेगा तो 1 2 3 4, और अगर कभी ऐसे मिलेगा ना तो भी 4 ही मिलेंगे। इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी कुल मिला के 3 और 1 4। यहाँ पे क्या, दोनों डबल बॉन्ड है, 2 और 2 4, और यहाँ पे क्या, 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, 4 ही रहेगी, यानी कि कार्बन इज रेडी टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और जो सिंगल बॉन्ड बनता है, जो एक बॉन्ड बनता है, वो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, तो कार्बन अपने सराउंड के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें शेयर करता है, और इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार रहता है। एक कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग। देखो कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होकर बहुत लंबी चेन बना सकता है, और यही वजह है कि पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ी जाती है कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, बेसिस पे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली जो है कार्बन के कंपाउंड ही पढ़ते हैं। अब सोचो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, और केवल एक कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं कि उसे हमें एक अलग ब्रांच में पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री की, तो कुछ तो खास बात है। तो उस खास बात में से एक कैटिनेशन है, दूसरी थी क्या, टेट्रावेलेंसी, जो हमने अभी पढ़ी यहां पे, ठीक है। कार्बन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहलाएगी ये, कैटिनेशन। सिलिकन आल्सो शोज कैटिनेशन बट अप टू सम एक्सटेंट। सिलिकन जो ना कार्बन के नीचे आता पीरियोडिक टेबल में, कार्बन यहां और सिलिकन यहां आता पीरियोडिक टेबल में, अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला ही होगा। तो कार्बन के नीचे सिलिकन आता है, तो जैसे कार्बन कैटिनेशन शो करता है सिलिकन भी शो करता है, लेकिन सिलिकन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सिलिकन ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं शो करता। कार्बन के साथ 20 25 30 50 कितने भी कार्बन अटैच हो सकते हैं, लेकिन सिलिकन के साथ ऐसा नहीं होता। 2 3 4 सिलिकन एटम अटैच होते के साथ ही हैवी हो जाता है, और ये फिर अटैच होना बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जो कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इसकी वजह क्या है। देखो जनरली ना दो रीज़न लिखवाते हैं, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, और दूसरा कार्बन शोज कैटिनेशन। लेकिन ये भी एक रीज़न होता है, साइज ऑफ कार्बन इज अप्रोप्रिएट, बहुत अप्रोप्रिएट साइज है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा। देखो अगर कोई बहुत छोटी सी चीज़ होगी और तुमसे कह दिया जाए कि इसे ना 10 लोग पकड़ लो, तो नहीं पकड़ सकते, ठीक है। और अगर बहुत बड़ी सी चीज़ होगी, ठीक है, उसे कह दिया जाए 10 लोग पकड़ लो, 10 लोग पकड़ तो लेंगे, लेकिन वो हैवी ज़्यादा हो जाएगा ना, और उस तरह के उसी तरह, मतलब मान लो कार्बन का साइज़ बहुत बड़ा होता और हमसे कह दिया था कि कार्बन को लिंक करते चले जाओ, तो 4 5 कार्बन लिंक होने के साथ ही बहुत हैवी हो जाता। तो ये साइज़ बहुत अप्रोप्रिएट है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या होता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड बन सकते। तो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होने की वजह, पहला इट्स वैलेंसी यानी कि टेट्रावेलेंसी, यानी कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सेकेंड क्या है, कार्बन शोज कैटिनेशन, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए। एंड तीसरा क्या है, साइज ऑफ कार्बन इज नॉट सो बिग एंड नॉट सो स्मॉल।
अबव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर तुम्हारा टीचर कहता है कि केवल यही दो लिखो तो कोई नहीं, यही दो लिख देना, ठीक है। बट अगर इन दो के साथ तुम ये भी लिखते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि ये भी सही है।